तो आज मैं बिल्ड करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी किताब, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। ओके नहीं 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 तो आज मैं बिल्ड करने वाला हूँ एक ऐसी किताब जिसके अंदर होने वाला है एक शुगर केन फार्म और एक बैम्बू फार्म। अब मुझे इनकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वैसे शुगर केन का तो कुछ काम मुझे नहीं पड़ता, बट स्टिल मुझे चाहिए थी। बट या बैम्बू का काम मुझे पड़ता है स्कार्फ होल्डिंग बनाने में, बिल्ड में, तो या वो मुझे चाहिए। और ये फार्म मुझे बहुत सारी लिटरली थाउजेंड्स में शुगर केन एंड बैम्बू देगा, वो भी ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट करके। ओके, तो सबसे पहला टास्क मेरा होने वाला है एक जगह को डिसाइड करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसको मैं एक ऐसी जगह बिल्ड कर दूं जहां पर ये दिखे ही नहीं, क्योंकि इस बिल्ड के अंदर मेहनत लगने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा सा दिखे दूर से। तो आई थिंक ये जगह थोड़ी ठीक सी लग रही है, यहाँ पर बिल्ड करेंगे हम इसको। मिलना आया होगा। अरे रजत दलाल भी आ गया। ओके, तो इस फार्म के लिए ना मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। पहले तो जो बुक हमें बनानी है उसके लिए मुझे बहुत सारा वूल चाहिए होगा, बहुत सारा कंक्रीट चाहिए होगा, एंड कुछ कारपेट्स भी चाहिए होंगे, एंड देन कुछ वुड चाहिए होगी, एंड कलेक्शन सिस्टम के लिए मुझे चाहिए होगी चेस्ट, हॉपर्स, एंड मुझे चाहिए होगी सैंड चाहिए होगी कुछ, एंड देन कुछ नहीं बहुत सारे पिस्टन्स चाहिए, बहुत सारे ग्लासेस चाहिए, एंड ये शायद से इसका सिस्टम जो है वो डे लाइट सेंसर पे काम करने वाला है, तो या मुझे एक डे लाइट सेंसर बनाने पड़ेंगे, एंड कुछ ऑब्जर्वर्स, तो रेड स्टोन भी चाहिए होगा, तो या ओवरऑल बहुत सारा सामान चाहिए हमको। तो चलो घिसाई करना शुरू करते हैं। ओके, तो मैं फार्म पे आ चुका हूँ। ओ भाई क्या हाथ से चल होते रहते हैं सबके साथ। चलते हैं ऊपर। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, फटाफट से अपने वूल निकालते हैं, एंड देन इन वूल से अपने वो कारपेट भी बनाना है। भाई व्हाइट वूल कौन सी में है? आई थिंक मैंने सारे मिक्स कर दिए हैं। नहीं यार। ओके, तो मैं आ चुका हूँ वूल लेके, एंड आई थिंक कारपेट कुछ ऐसे बनता था। यस, कारपेट वैसे हमको ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े बहुत चाहिए, तो या आई थिंक इतने में काम हो जाएगा हमारा। ओके, तो अब हमें जाना है नेदर में, एंड क्वार्ट्स लेके आना है हमारे डेलाइट सेंसर्स के लिए। तो चलते हैं फटाफट से। और भाई मुझे इस नेदर पोर्टल का कुछ करना पड़ेगा, भाई ये बहुत भद्दा दिखता है। ओके, नेदर में तो हम आ चुके हैं, एंड चलो फटाफट से रॉकेट मारते हैं, उड़ के क्वार्ट्स ढूंढते हैं। ओके, तो क्वार्ट्स तो मिल गए भाई, ज्यादा कुछ। अरे 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 ब्रो ब्रो ब्रो, हो आराम से आराम से आराम से, हमको हार्ड कोर वर्ल्ड को आज ही खत्म नहीं करना है भाई, नहीं तो ये क्वार्ट्स पता चला मेरे वर्ल्ड के आखिरी क्वार्ट्स हो। अरे भाई ओ भाई रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा हील करना पड़ेगा। ओके, तो चलो क्वार्ट्स माइन करना शुरू करते हैं। और वाह भाई लिटरली मैं सिल्क टच की पिकैक्स लेके आ गया। अब इसे हमें घर पे जाके वापस से माइन करना पड़ेगा, डबल मेहनत। ओके, तो हमको चाहिए होगी कुछ वुड, क्योंकि अब हमें चेस्ट बनानी है। तो चलते हैं इधर क्राफ्टिंग टेबल पे, प्लैंक्स बना लेते हैं, एंड चलो इसको रखते हैं, एंड यो वी गॉट चेस्ट्स, एंड हमें हॉपर हॉपर के लिए हमको आयरन चाहिए होगा। तो आयरन वैसे मेरे पास होना तो चाहिए, और नहीं है तो हमको जाके एएफके करना पड़ेगा। ओके, सो वी आर ऑन आवर आयरन फार्म, एंड चलो थोड़ी देर हमको एएफके करना पड़ेगा। वैसे ये फार्म पता नहीं क्यों बहुत स्लो हो चुका है, आई थिंक मुझे इसको वापस से रीबिल्ड किसी दिन करना पड़ेगा किसी वीडियो में। तो चलो थोड़ी देर एएफके कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो नाउ वी हैव इनफ आयरन, तो चलो अपन बना लेते हैं हॉपर्स। आई थिंक कुछ ऐसे ही बनते हैं, ऐसे नहीं, देन ऐसे। भाई कैसे बनते हैं हॉपर, रुक जाओ देख लेता। ओ भाई मैं कितना दिमाग लगाई क्यों रहा हूँ। ओके, सो ऐसे बनते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। कभी कभी प्रोस भी भूल जाते हैं भाई रेसिपी। तो फोकट की 10 घंटों की बंधुआ मजदूरी के बाद मेरा सारा सारा सामान कलेक्ट हो चुका है। तो अब क्या, हर वीडियो में जो हम करते हैं बिल्ड करना शुरू करते हैं। ओके, तो बिल्ड इज रेडी, एंड चलो मैं तुम लोगों को इसके अंदर का थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। तो तुम लोगों को इस डोर से अंदर जाना है, एंड जैसे तुम लोग अंदर जाओगे तुम लोगों को देखने को मिल जाए बहुत सारे बैम्बूज एंड ये सब चीजें। अब मैं इसके अंदर तुम लोगों को क्या ही दिखाऊं, चलो थोड़ा सा एफ करके देखते हैं, एंड देखते हैं कितना हमको मटेरियल मिल पाता है इस फार्म से। ओके, तो मैं अराउंड 5 घंटे एफ था, एंड अब देखते हैं कितना सामान आ गया इसके अंदर। ओ
प्रिटी इम्प्रेसिव। ओके, तो ये फार्म तो बहुत बढ़िया हो चुका है और बहुत बढ़िया होगा अगर तुम सब्सक्राइब भी कर दो, और बहुत बढ़िया होगा अगर तुम सामने वाली वीडियो को क्लिक करो और देखो, क्योंकि तुम्हें 100% मजा आने वाला है।